की शुरुआत करेंगे रायपुर से हम खबर के साथ, क्योंकि रायपुर दक्षिण सीट पर वोटिंग लगातार जारी है। मतदान के दौरान आपस में भिड़ गए कार्यकर्ता, बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। बीती रात सामग्री बांटे जाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। एक दूसरे पर साड़ी और कंबल बांटने का आरोप लगा। रायपुर के जेआर दानी स्कूल की घटना बताई गई है। अहम खबर आपको बता दें, रायपुर दक्षिण जहां पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, यानी मतदान लगातार मतदाता कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की स्थितियां भी बनी है जहां रायपुर के जेआर दानी स्कूल की घटना बताई गई है। रायपुर दक्षिण सीट पर वोटिंग के बीच हलाकान और हड़कंप मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे दामिनी बंजारे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दामिनी, हालांकि पहली बार नहीं है, हमेशा इस तरह के आरोप लगते हैं जब भी इलेक्शन होता है, ये जो मामला हुआ कौन से पोलिंग बूथ का है, किस तरह की स्थितियां यहां पर बनी? देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दक्षिण के उपचुनाव जो है वो संचालित किया जा रहा है, और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं आपस में जो है कार्यकर्ता भिड़ते नजर आए। आपको बता दें कि यह घटना पूरी जो है जेआर दानी में बनाए गए बूथ क्रमांक की है, जहां पर जो है एक तरह से पूरे जो तमाम कार्यकर्ता है बीजेपी और कांग्रेस की महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं आपस में भिड़ गई, और साथ ही उनके दोनों की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि इनके द्वारा जो है एक तरह से चुनावी सामग्री जो है लुभाने के लिए बांटी गई है, देर रात तक पैसे बांटे गए हैं। तमाम प्रकार के आरोप जो है दोनों ही ओर से लगाए जा रहे थे। साथ ही अब तक 15 सालों में सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं इसे लेकर भी सवाल जो है खड़े इनके द्वारा किए जा रहे थे। कहीं ना कहीं इससे पहले भी, थोड़ी देर पहले भी ये घटना जो है हुई थी, इससे पहले भी जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जो प्रथम नागरिक है महापौर एजाज थे पर उनके द्वारा जो है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाइश दी गई थी कि वह इस प्रकार से बहसबाजी न करें, इस प्रकार से विवाद न करें। उसके थोड़े ही देर बाद जो है उनके जाते ही जो है एक तरह से सुनील सोनी जो है वहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ है। आपको बता दें कि दोनों ही पार्टी आपस में भिड़ चुके थे, जिसके बाद फिर तमाम कार्यकर्ताओं को जो है शांत ये मामला पूरा कराना पड़ा। उसके बाद पुलिस बल जो है वो भी वहां पर मंगवाई गई, और साथ ही महिला पुलिस बल जो है वहां पर तैनाती की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रकार से आने वाले समय में ये घटना और भी आगे बढ़ सकती थी। तो दोनों ही तरफ के पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाइश दी गई है कि इस प्रकार से विवाद ना किया जाए। बिल्कुल, अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन यहां पर ये स्थितियां क्यों बनी आखिरकार, ये भी समझाने की कोशिश कीजिए। और क्या कुछ हुआ, कितनी महिलाएं इसमें शामिल थी, कौन कौन ये कार्यकर्ता थे, कहां से आए थे, और क्या कुछ होने लगा, उसके बाद कैसे मामला शांत हुआ? देखिए, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं जेआर दानी गर्ल्स विद्यालय के सामने जो है जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो पर्ची जो है वो बांटी जा रही थी, इस दौरान जो है मामूली से विवाद से जो है मामला शुरू हुआ था। क्योंकि पर्ची जब उन्हें दिया जा रहा था तो उन लोगों को जो है आम पब्लिक जो वहां पर वोट डालने के लिए आ रही थी, उन्हें ये कहा जा रहा था कि आप 2 नंबर में यानी कि कमल की बटन जो है वोट डालें, उसके बाद फिर दूसरे पक्ष से जो है तेज आवाज में जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की जो आवाजें हैं वो एक तरह से दोनों ओर से जो है तेज हुई, जिसके बाद जो है आपस में ही कार्यकर्ता भिड़ते नजर आए। इसके बाद महिलाओं को शांत कराया गया, लेकिन थोड़े ही देर बाद जो है ये फिर से जो गर्मा गर्मी का माहौल है वो देखने को मिला, और फिर से कार्यकर्ता जो है वो आपस में भिड़ गया, जिसके बाद जो है पुलिस बल के लिए जो है एक तरह से फिर से डिमांड की गई और महिला बल जो है एक तरह से वहां पर मंगवाया गया, ताकि ये घटना जो है और भी ज्यादा अब तेज जो है वो ना हो और आने वाले समय में इससे जो है चुनाव पर किसी भी प्रकार का असर ना हो। तो बिल्कुल कोई असर ना हो, इसका ध्यान तो रखना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया दामिनी जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। दोनों ही पार्टियां लगातार पुरजोर कोशिश करती रही है। हाई प्रोफाइल सीट रायपुर दक्षिण, जिसके लिए दोनों ही पार्टियों का साख और नाक का विषय बना हुआ।